ये है दिल्ली के प्रगति मैदान का नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम एंड हस्तकला एकेडमी। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमारी भारतीय संस्कृति की सारी झलक देखने को आपको मिल जाएंगी। ये पूरा म्यूजियम है, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं, अपने देश की संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। इस म्यूजियम का उद्घाटन 1991 में राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रमन जी ने किया था और ये आज विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। अगर आप भारत के गांवों को घूमने के शौकीन हैं, यहाँ की कला के और संस्कृति के शौकीन हैं, तो आप यहाँ पर जरूर आएं। ये म्यूजियम कम से कम 8 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और बहुत बड़ा है। हम तो यहाँ पर ट्रेड फेयर देखने आए थे, तो जाते वक्त हमने ये भी देख लिया। अगर आप नॉर्मल डे भी आएंगे तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। ये संग्रहालय ट्रेड फेयर के अलावा भी खुला रहता है। हम ट्रेड फेयर की वजह से इस जगह को ज्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन ये बहुत ही सुंदर थी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आना है तो स्पेशली टाइम निकाल कर आए। इस म्यूजियम में हाथ से बना हुआ बहुत अच्छा सामान मिल रहा था, जिसे आप खरीद भी सकते हैं। बस आप एक बार इधर आ जाइए तो आपको यहाँ से बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि ये है इतना सुंदर, इतना अच्छा है, फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर कलाकार स्वयं अपने हाथों से कलाकृतियां बना रहे थे। इनसे हमने इन पेंटिंग्स के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि ये इनके हाथ से ही बनी हुई हैं। और यहाँ पर सारा सामान हाथ से ही बनाकर रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस म्यूजियम के बारे में डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं। ये राजस्थान का हवेली का दरवाजा इन्होंने बनाया हुआ था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। हमने ये म्यूजियम ज़्यादा नहीं घूमा है और हम जल्दी से ही देखकर बाहर आ गए।